हाँ जी, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। हम लोग इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्लास कर चुके हैं, अभी हम दूसरा क्लास करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग भी सुन लीजिए, ऑनलाइन मतलब तो सुन ही ले रहे हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्या हो गया भाई? थोड़ा साउंड काले दिख रहे हैं ना, पूरा लाइट ऑन करना होगा, लेकिन गर्मी बहुत लगता है लाइट ऑन करने पर। आप देखिए थोड़े से गोरे दिखे नहीं? नहीं नहीं आ रहा है, आपने थोड़ा सा खड़ा होकर देखिए, आ रहा है। चलिए, हाँ जी। तो कोडिंग डिकोडिंग में पहला क्लास में हमने देखा कि एबीसीडी को रटवा रहे थे, याद करवा रहे थे। कितने लेटर याद हो गया है? ऐसे आप लोग बताइए कि कम से कम 5 लेटर का कोडिंग याद हो, ऐसे कितने लोग हैं? कम से कम 5, किसी को नहीं याद है? कम से कम 5, कौन कौन? आइए आइए, वेलकम। बाप रे बाप, कितना दिन बाद आ रहे हैं जी आप लोग। कम से कम अक्षर बताइए कि कितने। अब ए नहीं जानते हैं, ए का मतलब 1, जेड का मतलब 26। इसी तरह से ऐसे कितने लेटर से जिसका कोडिंग आपको पता है, सब पता है। बाकी लोग हाँ लिख दीजिएगा, तो उसे कौन नहीं लिख देगा हा? कि ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, ऐसे तो सीरीज में लिखा जाएगा नहीं, ऐसे नॉर्मल याद है तो याद कर लेना जरूरी है, ठीक है। ए से जेड तक और जेड से ए तक। अगर आप पिछले क्लास में नहीं देखे होंगे तो पिछले क्लास का वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम पिछले क्लास में इसको याद कराए थे, साथ ही साथ एक दूसरे का ऑपोजिट भी आप याद करवाए थे कि ऑपोजिट ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई बी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। भी का अपोजिट क्या होगा? ई का अपोजिट, ई का अपोजिट भी, इसका क्या बताए थे? या लव, एल ओ भी ई लव, एल का अपोजिट ओ और ई का अपोजिट भी लव। फिर बताए थे जी टी रोड, याद है जी टी रोड। फिर बताए थे हाई स्कूल। अभी देखिए 1 2 3 4, 4 तो इसी हो गया, ठीक है। फिर आपको बताए थे इंडियन रेलवे आई आर। फिर बताए थे झारखंड क्वीन, ठीक है। फिर बताए थे ए टू जेड सब का सब। फिर बताए थे कितना बी वाई बॉय। फिर चेन्नई एक्सप्रेस सी एक्स, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। फिर बताए थे जे होगा। फिर कमला पसंद, केपी कमला पसंद या केपी ठाकुर या पीके मूवी। एफ यू फेयर एंड अनफेयर, ये भी याद कराए थे। और क्या बोले थे? मन, एम ए एन मन या मैन। और कुछ याद करवाए थे? एल ओ भी ई, तो यहाँ से 2 लेटर हो ही गया। तो ये आपको रटना था, याद हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो लगातार क्लास अभी करेंगे तो याद हो जाएगा। आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन आंसर, ठीक है, कि इस पे क्वेश्चन आंसर कैसा होगा। पिछले क्लास में हमने बताया था कि क्वेश्चन के अप्रोच कैसे हमें लगाना है। टोटल 10 टाइप का क्वेश्चन दिए थे, आज यहाँ से पहला टाइप का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिएगा, हॉस्पिटल इज रिटन एज, हॉस्पिटल को लिखते हैं क्या लिखता है भाई? तो 3 2 5 7 4 6 1 8। तो बताइए इसी कोड भाषा में पोस्टल को क्या लिखेंगे? यदि हॉस्पिटल को, देखिएगा, यदि हॉस्पिटल को किसी निश्चित कोड भाषा में 3 2 5 7 4 6 1 लिखा जाता है तो पोस्टल को इसी भाषा में कैसे लिखेंगे? पोस्टल को, ठीक है। तो देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ एच ओ एस पी आई टी ए एल, हॉस्पिटल ऐसी होता है ना। अब लिखता है 3 2 5 7 4 5 7 4 6 1 8, तो हमें पता करना पोस्टल, पी ओ एस टी ई एल। देखिए आपका टी एल होता है ना, पोस्टल टी ए एल, ठीक है। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक लेवल का पढ़ रहे हैं। अब जरा यहां पे देखिए कि P का मतलब क्या लिखा हुआ है? 7। अगर हम P का मतलब 7 लिखेंगे तो ऑप्शन तुरंत देखेंगे कि क्या ऐसा ऑप्शन कहीं है जो 7 से शुरू हो, तो सब का सब वैसा ही है। अगर हम O का देखें तो O का मतलब कितना हो गया? 2। S का मतलब कितना हो गया? 5। T का मतलब कितना हो गया? 6। A का मतलब 1 और L का मतलब 8। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पे है? कहां पे है? ऑप्शन नंबर
बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब एकदम ध्यान से सिर्फ देखिएगा, ठीक है? हम आपको लिखने के लिए बनाने के लिए भी देंगे, इसको हम भेज भी देंगे, ठीक है, पढ़ाने के बाद। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर ऑनेस्टी को लिखता है 513246, पॉवर्टी को लिखता है 7192068, तो हॉर्स को क्या लिखेगा? जल्दी से बताइए, देख के बताना, कोई पेन पेपर यूज नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से देखिए। एच फर्स्ट में है, एच फाइव यहाँ पे, अब इतना होगा, फाइव पहला अक्षर होगा, ओ कहाँ पे, तो दूसरा नंबर पे ओ है, तो 51 कंफर्म होगा। ये गलत और ये गलत हो गया, क्योंकि 51 नहीं है। अब देखिएगा यहां पे, ध्यान दीजिए, 510 तक चेक नहीं करेंगे, ठीक है? अब इन दोनों में से किसी एक को चेक करिए, जैसे लास्ट में ई है और यहां पे देखिएगा, तो यहां पे पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पे टू, तो लास्ट में क्या होना चाहिए? टू। तो ये आपका आंसर हो गया। आ रहा समझ में? ये एकदम बेसिक है, टाइप वन इसको हम बोलते हैं, ठीक है? जल्दी से इसको बताइए, इसके लिए हम टाइम लगा देते हैं। टाइम कितना? एक मिनट का देते हैं, एक मिनट का टाइम है, देखते हैं कौन जल्दी से बता पाते हैं। एक मिनट हालांकि बहुत ज्यादा टाइम है, इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के लिए। भी आ रहा है? चलिए, तो आप लोग जवाब दे दिए हैं लगभग 45 सेकंड में, ठीक है? देखते हैं, कई लोग का बी, कई लोग को समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है? देखिए यहाँ पे रोज, आर ओ एस ई, रोज को लिखता है 6821, ठीक है? शेयर को लिखता है दिस, और रिसर्च को लिखता रिच है ना, प्रीच, प्रीच को लिखता है ये, तो हमें क्या पता करना है? सर्च, एस यानी सेकेंड लास्ट में क्या है? टू है, तो पहला अक्षर टू होगा, सब में टू ही था। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है? ई, ई लास्ट में ई है, लास्ट में वन है, टू वन, अब टू वन जो नहीं है उसको बाहर हो गया, ये इसमें सोचना नहीं है। अब देखिएगा उसके बाद क्या है, तो कहाँ गया आर, आर का मतलब फर्स्ट में आर है, फर्स्ट में सिक्स है, अब टू वन सिक्स होना चाहिए कहीं पे, अच्छा यहाँ पे है ना, अच्छा इसी को पता करना था ना। एस का मतलब क्या हो गया? एस ई का मतलब टू वन, उसके बाद ए है ना, ए का मतलब क्या है? तो ए कहीं पे ढूंढिए, यहाँ पे आपका ए तीसरा नंबर, चौथा, पीछे से पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, फोर, टू वन फोर, यहाँ नहीं, ये भी बाहर। अब देखिए टू वन फोर, अब सिक्स है या सेवन हो गया, एक ही से पता चल जाएगा, ठीक है? अब देखिएगा आर का मतलब क्या होगा, तो आर पहला में है सिक्स, तो सिक्स, टू वन फोर सिक्स कहाँ पे है? बी नंबर, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए इसको, इसके लिए आपका टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, 30 सेकेंड ऐसे क्वेश्चन के लिए काफी होता है। तीस सेकेंड एनएफ है, 30 सेकंड। चलिए आपका आ गया, 5 सेकंड में ही आपका आ गया, 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया लगभग। और लोग बताइए, चलिए मैक्सिमम का सी आ रहा है, सी आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जी आई भी ई, गिव को लिखते हैं 5137, ठीक है? बी ए टी बैट को 924, तो गेट को क्या लिखेंगे, है ना? अब जरा देखिएगा, तो सबसे पहले G का मतलब क्या हुआ? 5, तो पहला अक्षर 5 होना चाहिए। A का मतलब क्या होगा? तो A का मतलब 2, उसके बाद क्या VE यानी 37, ऐसा ऑप्शन कहीं पे है? 5, अच्छा T था ना, ओके ओके, हम G, ओके ओके, ठीक है, हमें क्या पता करना है? TE ना, लास्ट में E है, तो 7 होगा कंफर्म,
और टी का मतलब क्या होगा, टी का मतलब लास्ट में क्या है, फोर। ऐसा ऑप्शन कहीं पे है तो सी हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? चलिए बन जाएगा, चलिए इसको बनाइए। अगर टेन का मतलब, जे का मतलब टेन है, जैस्मिन का मतलब 71 है, तो एस्टीमेट का क्या होगा, बनाइए इसको। देखते हैं, एडिटिव आ रहा है, देखिएगा। जे का मतलब 10, 1, 19, 13, 9, 14 और 5 सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 71 आ रहा है। हाँ जी, ये अब देखिएगा, अगर इसको ऐसे हम जोड़ दें तो यहां कितना हो गया, 30, 30 और 5, 35, 35, 13 और 23, 9, 4, 13, ठीक है, 3, 3, 6 और 1 हो गया, 3, 3, 6 और 1, 7, 71 हो जा रहा है। तो उसी प्रकार हमें पता करना है एस्टीमेट, ठीक है, यानी ये 5, 19, 20, 9, 13, 1। तो अब अगर हम देखेंगे यहां से, यहां ये कितना हो गया, 20 और 20, 40, 40 और 14, 53, 54, ठीक है, 40, 54 और प्लस अब कितना बचा, ठीक है, तो कितना हो गया, एक मिनट देखिए, ये हो गया आपका 5, 19, 20, 9, 13, 1, 20 और 5। देखिए यहां से यहां 20 हो गया और 20, 40, 40 और 10, 50, 50 और 20, 70, अब बच गया कौन, 10 बचा, तो कितना हो गया, गलत जोड़ रहे हैं काजी, फिर गलत हो गया, 82 आ रहा है, कहां गलत जोड़ रहे, पहले इसको देखने दीजिए, 5, 1 मिनट भाई, देखिए 5 और 5, 10, 10 और 20, अच्छा देखिए ना, 20 और 20, 40, 40 और 20, 60, 60 और 10, 70, 70 हो गया, अब 70 और 10, 80 और 80 हुआ, अब क्या छूट गया, 5, 19, 20, 9, 13, 1, 20 और 5, यही है ना जी, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, बताइए जोड़ने में दिक्कत हो रहा, अगर हम इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया, 20 हुआ, और ये 20, 40 और 20, 60, 60 हो गया, हम इस सबको जोड़ चुके हैं, अब बचा कौन, 60 और ये 10, 70, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। माइनस 2 क्यों करें, अच्छा 92, ओके, बताइए, ए का मतलब 1 है, कैट का मतलब 24 है, तो पुलिस का क्या होगा, ए का मतलब 1 है, कैट का मतलब 24 है, तो पी ओ एल आई सी का मतलब क्या होगा, ए का मतलब 1 होता है, सी का मतलब 3, 1 और 20, पुलिस का 16, 15, 12, 9, 3 और 5, जल्दी से बताइए, मेरे हिसाब से 16 नहीं जोड़ना है, स्पीड काउंट करिए,
कितना 59 16 60 चलिए, कुछ लोग का 60 आ रहा है, कुछ लोग का क्या आ रहा है 59 आ रहा है। अब मार हो गए यहाँ पे ना। अब देखिए ये कितना हो गया 20, और 16 और 9 कितना हो गया 16 और 9 25, 20, 12 और 3 15 ये होगा ना जी 16 होगा जी 60 होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 15 और 5 20, 20 और ये 25 हो गया 16 और 9 25 और 12 और 3 15 5 और 1 6 60 हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं होता है। खैर ये सब तो आपका हो जाएगा। एक लास्ट बनाइए इसको क्या होगा ए एन डी 114 और 4 तो 19 हो जा रहा है तो 2120 तो 23 हो जाएगा 23। चलिए बहुत सिंपल है ये, इसको बनाइए है बहुत सिंपल, देखने में थोड़ा दिख रहा है ऐसा गड़बड़ बहुत सिंपल है बस दिख रहा है थोड़ा सा टफ। बताइए जल्दी से ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका मतलब क्या होगा एच, इसका मतलब क्या होगा ओ, पी टाइप का उसका मतलब क्या है एम, ये ऊपर का है इसका मतलब क्या है ए, ये इसका मतलब क्या है जी, और इसका मतलब क्या है होमेज कहाँ पे है हो जाएगा ना। चलिए इसका जल्दी से बताइए, ये एकदम बेसिक लेवल का, कोई ज्यादा दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है। हाँ देखिएगा इसका मतलब क्या है तो जी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है डी, इसका मतलब ई, इसका मतलब तो गार्डन जी आर डी हो जाएगा। चलिए बताइए इसका कोड क्या होगा जल्दी से। पेंसिल को बोलते हैं ये पूरा, ना 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 गलती हो गया थोड़ा सा, ये से नहीं होगा, इंग्लिश में देखिए ऊपर पेंसिल को वो लिखते हैं यहां तक, पेपर को कोड करते हैं यहां तक, ठीक है ये वहां जुड़ा हुआ। क्लिप को क्या बोलेंगे जल्दी से बताइए। डी नंबर आ रहा है देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। चलिए तो अगर हम देखेंगे सी, सी का मतलब क्या होगा तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा इक्वल। एल का मतलब क्या होगा लास्ट में क्या है सेवन है तो सेवन। आई का मतलब क्या होगा लास्ट से पहले सेमीकोलन, ठीक है। अब पी का मतलब क्या होगा तो पी फर्स्ट में है तो क्वेश्चन मार्क, ऐसा कहीं पे ऑप्शन है डी नंबर में, तो आपका जवाब क्या हो गया डी हो गया। बहुत टफ है। चलिए इसको बनाइए स्पार्क, एस पी ए आर के, स्पार्क को बोलते हैं टी क्यू बी एस एल, तो बताइए फ्लेम को क्या बोलेंगे। इसको लिख के बनाइए, तो लिखना होगा कोडिंग करना होगा दोनों को रिलेट करना होगा तब ये क्वेश्चन बनेगा।
देखते हैं। देखिएगा स्पार्क, SPARK को लिखते हैं TQB TQB SL। सबसे पहले हमारा काम होगा इसको कोडिंग करना। S का मतलब कितना हो गया 19, P का मतलब कितना हो गया 16, A का मतलब 118 और ये 11 11, ये हो गया 20, ये 17, ये 2, ये 19 और ये 12। अब देखिए यहां से आप पहला अप्रोच हमारा आमने सामने होगा, तो 19 में 20 बनाने के लिए माइनस या प्लस, तो प्लस 1 करना पड़ेगा। अगर 16 से 17 यानी प्लस 1, 1 से 2 मतलब प्लस 1, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 और 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12। तो हमें पता करना है एफ एल ए एम ई, ठीक है। तो अब देखिएगा एफ का मतलब क्या होगा, अब हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। एफ का मतलब क्या होता है 6, ये 12, ये 1, ये 13 और ये 5। एफ के बाद क्या होता है जी होता है, एल के बाद एम होता है, ए के बाद बी, एम के बाद एन और ई के बाद एफ। तो जी एम बी एन एफ कहीं पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो अब देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन तो बन जाता है लेकिन ऑप्शन देखने में हम लोग हड़बड़ी करके कुछ और मार देते हैं, तो ये वाली गलती हमें नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिस्टर को लिखता है आर एच आर एस डी क्यू, तो अंकल को क्या लिखेगा, देखिएगा बनाइए आप लोग, सिर्फ हमें उतार देने क्वेश्चन। SISTER सिस्टर को बोलता है RH RH RS D Q, तो इसी भाषा में अंकल UNCLE अंकल को क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं क्या इसके पीछे लॉजिक है भाई, देख लेते हैं। अच्छा देखिएगा S का मतलब 19 होता है, R का मतलब 18 होता है, T का मतलब I का मतलब 9 होता है, इसका 8 होता है, ये 19 तो ये 18, ये 20 तो ये 19, ये 5 तो ये 4, ये 18 तो ये 17, यानी सब में माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 हो रहा है। तो इसी प्रकार ये 21, ये 19, ये 3, ये 12 और ये 5, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो ये हो गया 20, ये हो गया 18, ये हो गया 2, ये हो गया 11 और ये हो गया 4। सॉरी एन का 14 होगा, तो ये क्या हो गया 13, तो ये हो गया आपका टी एम बी के और डी। टी एम बी कहीं लिखा है, टी एम बी के डी, टी एम बी नहीं है, TMB नहीं है, TM तो आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए ये आप बना रहे हैं RUSTUM रुस्तम को लिखता INVANZ, तो बताइए रस्तोगी को क्या बोलेगा, रस्तोगी को भी बता दिया, रस्तोगी को IXWBJK, तो रशिया को क्या बोलेंगे, रशिया बताइए। देखते हैं सी आ रहा है, चलिए देखिएगा इसके पीछे क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को समझते हैं। RUSTUM क्या लिखा हुआ जी, रुस्तुम, हाँ रुस्तुम बोलिएगा कि रुस्तम। INWANZ अब देखिए यहां पे
आई आर का मतलब आई लिखा हुआ है और यहां भी आर का मतलब आई है, ठीक है। अब देखिएगा, यहां आप देखिएगा टी का मतलब क्या है, पीछे से तीसरा एक दो तीन ए, और यहां भी टी का मतलब पहला दूसरा तीसरा, ऐसा नहीं रहा है, उसके जैसा तो नहीं है, तो इसमें क्या कर रहा है बताइए, क्या लॉजिक है इसके पीछे, हाँ कोडिंग चेंज किया है कि सेम एज इट इज लिखा है, अब अच्छा आर के पास यहां पे आई है, ठीक है, तो यहां आर के पीछे भी आई है, अब यहां टी पहला दूसरा तीसरा चौथा में टी है, ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा में क्या हो गया ए, यहां भी टी है पहला दूसरा तीसरा चौथा में, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा में भी है, अच्छा वही तो हम कर रहे हैं ना, देखिएगा यहां पे आर ए एस, देखिएगा आर ए एस पी ओ जी आई को क्या लिखता है भाई, आई एक्स उसके बाद डब्ल्यू वी जे, यही गड़बड़ किया है एक्चुअली, ये गलती किया है तभी वहां एक का नहीं मिल रहा, ठीक है, अच्छा यहाँ पे ए होना चाहिए था इसीलिए गड़बड़ हुआ, ये ए उसके बाद क्या हो जाएगा, ए उसके बाद वी जे और के, तो क्या पता कर रहा है रशिया, आर यू डबल एस आई ए, आर का मतलब आई हो गया, यू का मतलब क्या हो गया एन, डबल एस मतलब डबल डब्ल्यू, आई का मतलब क्या है के, और ए का मतलब क्या है एक्स, सिंपल था, एक गलती की वजह से टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ ये प्रॉब्लम, इसको पता करिए, ब्यूटीफुल को लिखता सी डी ओ जी एच, ठीक है बताइए इसका क्या होगा, ब्यूटीफुल को लिखता ऐसा तो लीफ को क्या बोलेगा, ए नंबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना, देखिएगा इसमें क्या करना, लीफ एल का मतलब क्या होगा, तो एल का मतलब एन, ठीक है, फिर उसके बाद ई ए, तो ई ए का मतलब क्या है डी ओ, ठीक है, हेलो हाँ जी, हाँ हाँ वही, अरे उसमें जो बाथरूम वाला समस्या जो है ना, यहाँ पे पानी जब तक नहीं रहेगा कोई लाइब्रेरी
ठीक है सर, पक्का ना? कितना स्टूडेंट? आज से देख लेते हैं, अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कम से कम 3 से 4 लाख इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, अब चलेगा तो अभी वैकेंसी आ रहा तो कमाई होगा, नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, हाँ ये चीज तो है। अच्छा, हम इसमें कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा ना, NDO। ठीक है, अब देखिएगा क्या हो गया। F का मतलब क्या हो जाएगा? पीछे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यही हो जाएगा। चलिए, ये चीज तो आप समझ गए हैं, हमको नहीं लगता इसमें और टाइम देना चाहिए। हम आपको कुछ ये हाँ जी, उस समय अनअकैडमी की था, उसी समय पढ़ाते थे इसको। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कुछ हम और क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, जो जो बताए हैं वो भी, जो नहीं बता रहे वो भी हम बताएंगे। टोटल 4 क्वेश्चन देंगे, टाइप 3 में आ जाइएगा आप लोग। उठा लीजिए बैग, यहां लिखा हुआ CAT कैट, को लिखता है 1 2 3, TOM टॉम को लिखता है 3 4 5, MAR को लिखता है 5 2 6। तो बताइए इसी कोड भाषा में AOR को क्या बोलेंगे? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ROM, रोम को बोलते हैं, रोम को डॉलर स्टार, इतना जोर से बोल दिया कि आदमी डर जाएगा। MTS को लिखता है कॉपीराइट हैश एट द रेट, TRF को लिखता है हैश डॉलर परसेंटेज। तो बताइए OTR को क्या लिखेगा? जो अभी पढ़े हैं वही है। हम पूरा उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, पूरा उम्मीद है कि बन जाएगा। बन गया ना? तो इसका क्या आंसर आया बता दीजिए जरा। इसका 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 2 4, सबका यही आ रहा है ना। अब देखिए, A का मतलब 2, O का मतलब 4 और R का मतलब 6। इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? O का मतलब स्टार, P का मतलब हैश और R का मतलब हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। CAT कैट को लिखता है 1 2 3, TOM को लिखता है 1 4 5, फिर MAR को इसी को लिखता है, या अलग कर दे रहे हैं कि आपको सेम ना लगे, POF को लिखता है FAN, फैन को लिखता है 4 3 6। तो बताइए CON को क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, इतना इजी नहीं है। MTS को लिखता है स्टार डॉलर एट द रेट, SUB को लिखता है डॉलर कॉपीराइट हैश, BTO को लिखता है
कॉपीराइट एट द रेट परसेंटेज, तो बताइए एमएसओ को क्या लिखेंगे? नहीं, सोचिए जरा क्या हो रहा है। ये तो आसानी से बन गया, लेकिन ये आपको बनाना है बिना ऑप्शन का है, इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको बनाना है सही। सोचिए जरा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जरा गौर करिएगा। अब देखिए यहां टी का मतलब 3 है और यहां टी का मतलब 1 है, तो गड़बड़ हो गया। तो याद रखिए इसमें हमें सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में टी है और यहां फर्स्ट में तो सेम नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर यहां पे टी कॉमन है और यहां भी टी कॉमन है, दोनों जगह पे सेम सेम है, तो इधर भी कुछ होगा, चाहे जहां भी हो कॉमन होगा। तो 1 और 1 कॉमन है, चाहे जहां भी हो इन दोनों में अगर टी और टी कॉमन है, इधर 1 और 1 कॉमन है, तो यहां पे समझा जाएगा टी का कोड 1 हो गया। अभी मत सोचिएगा कि सर टी यहां लास्ट में था, यहां फर्स्ट में था, ऐसे कैसे हो गया, इतना सोचना नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, ए और ए कॉमन है, इधर भी कुछ जरूर होगा, तो 3 और 3 कॉमन है, तो ए का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, एफ और एफ कॉमन है, ठीक है, इधर कॉमन क्या है, 4 और 4, तो एफ का मतलब क्या हो गया, 4। अब जो बच गया सी, और बच गया 2, तो सी का मतलब 2, इधर बच गया ओ और इधर बच गया 5, तो ओ का मतलब 5, इधर बच गया एन इधर 6, तो एन और 6 एक दूसरे का कॉमन था दोनों में। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या, सी ओ एन, सी का मतलब 2, ओ का मतलब 5, एन का मतलब 6, बट जरूरी नहीं कि इसी तरह से आंसर आएगा। अगर वहां पर लिख देगा 6 5 2 तो भी सही है, अगर लिख देता है 6 2 5 तो भी सही है, अगर लिखता है 5 2 6 तो भी, इन तीनों को इस्तेमाल करके जो भी ऑप्शन में दे देगा सब सही है। समझ में आया, क्योंकि यहां कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है, तो यहां भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा। आया समझ में, तो इस क्वेश्चन को बना दीजिए। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए क्या आएगा, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए क्या आएगा। तो एक एक ना पता चलेगा, सब थोड़े पता चल जाएगा, वो तो एक एक समय निकल जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर हम ऐसे भी कट कर देंगे, एस और एस को कट कर हटा दिए, तो डॉलर डॉलर को हटा दिए, तो एस का मतलब क्या हो गया, डॉलर। इसमें और इसमें टी को कट किए, टी को इसमें क्या कट हो जाएगा, एट द रेट, एट द रेट, तो टी का मतलब क्या हो गया, एट द रेट। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में बी कॉमन और बी कॉमन, इधर क्या निकल गया, कॉपीराइट कॉपीराइट, तो बी का मतलब क्या हो गया, कॉपीराइट। अब जो बच गया जैसे एम बच गया, तो एम का मतलब स्टार हो गया, यहाँ बच गया यू, तो यू का मतलब हैश हो गया, यहाँ बच गया ओ, तो ओ का मतलब परसेंटेज हो गया। ऐसे अब जो पूछेगा बता देंगे, जैसे यहाँ पूछा एम एस ओ, तो एम का मतलब क्या हो गया, स्टार, एस का मतलब डॉलर, ओ का मतलब, अब इसको चाहे जैसे भी सजा के लिख देगा आगे पीछे, मतलब इसको जंबल करके भी कुछ भी लिख देगा, तीनों को वही आंसर हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, एक क्वेश्चन दे, चलिए लिखिएगा क्वेश्चन।
318 को लिखता है, 318 को लिखता है रन वेरी फास्ट, रन वेरी फास्ट। फिर आपका है 289, 289 को लिखता है टू रन अवे, टू रन अवे। फिर बोलते हैं 97, 97 का मतलब है टू सी। फिर है 43, 43 को बोलते हैं वेरी गुड। तो अब इसके बाद क्वेश्चन है पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बताइए सी का मतलब क्या हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि फोर का मतलब क्या हुआ। तीसरा है अवे का मतलब क्या हुआ। चौथा क्वेश्चन है सी रन अवे, सी रन अवे। ऑप्शन नंबर ए है, एट फोर सेवन टू। ऑप्शन नंबर बी है 7914। ऑप्शन नंबर सी है 7319, 7319। ऑप्शन नंबर डी है 3289, 3289। और ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज। पांचवा क्वेश्चन है गुड टीस टू, गुड टू सी अवे, टू सी अवे। ऑप्शन नंबर ए है 7485, 7485। ऑप्शन नंबर बी है 3149। ऑप्शन नंबर सी है 5439। ऑप्शन नंबर डी है 7459। और ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज। बनाइए क्या होगा। बताइए, पांच क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास। बताइए क्या होगा। हाँ, सी का, चलिए सबसे पहले हम इसको पता करेंगे, है ना, कि इन दोनों में कॉमन क्या, एट और एट कॉमन है। इधर क्या कॉमन है, रन और रन। तो पता चला एट का मतलब क्या हो गया, रन। इसमें कॉमन क्या, इसमें और इसमें, इन दोनों में नाइन और नाइन कॉमन, इधर टू और टू कॉमन, तो नाइन का मतलब क्या हो गया, टू हो गया। अब देखिएगा इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये थ्री और थ्री, इसमें क्या वेरी और वेरी, तो थ्री का मतलब क्या हो गया, वेरी। अब देखिएगा
यहां पे बच गया वन, वहां पे फास्ट, तो वन का मतलब फास्ट। यहां बच गया टू, इधर बच गया अवे, अबे अवे ना जी, अबे बोल रहे हैं। सेवन का मतलब सी हो गया, और जो बच गया फोर, फोर का मतलब गुड। अब देखिए क्या पता करना है, तो यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सी का बन जाएगा क्या होगा, सी का सेवन, फोर का मतलब क्या हो गया गुड, अवे का मतलब टू, कोई प्रॉब्लम यहां नहीं हुआ। अब देखिए यहां सी का मतलब कितना है सेवन, रन का मतलब एट, अवे का मतलब कुछ छूट गया क्या जी? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। तीन अक्षर या चार कैसे होगा? रुकिए एक मिनट, एक मिनट। सी रन अवे, तीन अक्षर, ऑप्शन में चार दिया है। खैर इसका तो नन ऑफ दीज होगा क्योंकि तीन ही यहां, यहां चार दिया हुआ है। अब क्या है, गुड टू सी अवे, गुड का मतलब कितना हुआ फोर, ठीक है। टू का मतलब कितना हुआ, हाँ जी टू का मतलब, टू का मतलब नाइन, सी का मतलब और अवे का मतलब। अब देखिए फोर नाइन सेवन टू कहीं ऑप्शन है, फोर नाइन सेवन टू नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह से कहीं नहीं है। चलिए फोर नाइन सेवन टू, फोर नाइन सेवन फाइव है। चलिए यहां तक समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपका चौथा क्वेश्चन या छठा क्वेश्चन, जो चार तो बना लिए पांच, यहां पे लिखा हुआ है आई रन वेरी फास्ट, आई रन वेरी फास्ट, आई रन वेरी फास्ट है ना जी, देखिएगा। अच्छा कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, आई रन वेरी फास्ट, यहां पे सबका कोड दिया हुआ है, ठीक है। यहां हो गया पहला ऑप्शन एट थ्री वन फोर, बी ऑप्शन है फाइव वन थ्री एट, सी ऑप्शन है थ्री एट वन जीरो, और डी ऑप्शन है टू थ्री फोर फाइव, और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा सही है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब देखिए हमें इतना कंफर्म मालूम होना चाहिए कि आई रन का मतलब क्या है एट है, वेरी का मतलब क्या है थ्री है, फास्ट का मतलब क्या है वन है, यानी थ्री एट थ्री वन तो कंफर्म चाहिए। 83 यहां भी है, 831 यहां भी, 831 है यहां भी, 831 है, और यहां तो नहीं तो बाहर हो गया है ना। अब देखिए 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब गुड, तो क्या क्वेश्चन में कहीं गुड था, नहीं, तो ये भी बाहर। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब कुछ है, एक मिनट यहां पे इसको हम कर देते हैं, ये 9 है, ठीक है। अब 5, अब देखिएगा 9 का मतलब क्या है, तो 9 का मतलब 2, कहीं क्वेश्चन में 2 है, तो ये भी बाहर। अब देखिए यहां पे 138 तो कंफर्म चाहिए था है, आई कहीं क्वेश्चन में दिखा क्या, नहीं, तो ऑप्शन में कुछ नया दिखा क्या, हाँ दिखा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो जो कंफर्म है वो तो होना चाहिए, अगर कुछ न्यू है तो हमें ऑप्शन में समथिंग न्यू चाहिए, तो समथिंग न्यू यहां पे 5 है। हमें गलती की बनाने में कि हम दो बार नया ने दो जगह नया कर दिए, नया कोई एक जगह होना चाहिए था, इसलिए हम इसको 9 बना दिए कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आया समझ में, क्या समझ में आया, ये अगर कुछ नया क्वेश्चन में दिखा तो ऑप्शन में जो रिक्वायरमेंट है वो होने के साथ एक नया चाहिए ऑप्शन में, अगर है तो वही आंसर सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो ये था आज क्लास दूसरा, अगले क्लास में हम नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट लेवल देखेंगे। ये क्वेश्चन अभी हम आपको सेंड कर रहे हैं, ये नहीं इसी तरह का, और उसको बनाकर आना है, ठीक है, थैंक यू।